स्ट्रगल ये है कि मैं कैसे लोक में आ गया हूँ जिनका एक अश्व का पीछा करते करते, घोड़े का पीछा करते करते, कि मुझे यहाँ पता चला है कि एक अश्व लोक है जहाँ पर ऐसे इंसान हैं जो घोड़ों में तब्दील हो जाते हैं और ऐसे घोड़े हैं जो इंसानों में तब्दील हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं इनमें जिनका धड़ तो है घोड़ों का लेकिन उनका सर जो है वो इंसानों का है और काफ़ी बलशाली हैं, तो अकेले मुझे इनसे लड़ना है, मेरी सेना तो मेरे साथ है नहीं, तो काफ़ी स्ट्रगल है लेकिन डर के बाद ही जीत है। सिंहासन बत्तीसी अभी भी नंबर वन पे चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ आपका योगदान है या फिर जो आप दे रहे हैं? जी देखिए, क्या है कि कोई भी शो अगर नंबर वन होता है, अच्छा करता है, तो उसमें किसी एक इंसान का योगदान नहीं होता है, पूरा टीम वर्क होता है, राइट फ्रॉम हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे जो स्टोरी लिख रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारा चैनल, बहुत सब लोगों का योगदान होता है, स्पॉट बॉय से लेके मेकअप, एवरीबडी, तो ये एक टीम वर्क होता है। हम तो एक्टर सिर्फ चेहरे होते हैं लेकिन जो कैमरे के पीछे होते हैं वो हमसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हम आइडियाज़ इंप्लीमेंट करते हैं और आइडियाज़ होते हैं उनके। तो आज के सीन में राजा भोज क्या स्पेशल कुछ करने वाले हैं? अभी राजा भोज ने घोड़ों के साथ दौड़ लगाई है, शुरू सुबह 7 बजे से मैं घोड़ों के साथ दौड़ लगा रहा हूँ, अभी कुछ 8-10 घोड़े हैं, तो उनसे मेरी मुक्कालात होने वाली है, तो मज़ा है उसमें, स्ट्रगल है इस धूप में, इस ड्रेस पहनकर पसीने हो जाते हैं, बट मुश्किलात है तभी मज़ा है। अच्छा चलिए एक और सवाल, कि जो ड्रेस आप पहने हैं आपको क्या मतलब काफ़ी अच्छा लगता है या फिर आपकी कुछ सोच थी नहीं चलो ऐसा या फिर आपको जो देखिए ये ड्रेस लोगों को लगता है कि मुझ पर बहुत फपती है और लोगों को मेरा लुक इसमें बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल नहीं है, डोंट ट्राई दिस एट होम, हम तो सन में ट्राई करते हैं इसको पहनते हैं, बहुत गर्मी लगती है, पसीना होता है, बट अभी राजा के लिए, एक वॉरियर के लिए इससे अच्छी ड्रेस नहीं हो सकती थी, तो वी हैव टू ड्रेस अप लाइक अ कैरेक्टर, लाइक द कैरेक्टर, तो मेरा कैरेक्टर ही है, बट मज़ा है, अच्छा लगता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अपने सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमें बहुत प्यार दिया है सिंहासन बत्तीसी को, और आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ऐसे कम शोज हैं टीवी पे जो लोगों को पसंद भी आते हैं और जो कॉन्टेंट वाइज बहुत अच्छे हैं, हमारा शो उनमें से एक है, तो उसे देखें, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ जितना मज़ा हमें काम करके आ रहा है उतना मज़ा आपको देखने में आएगा, तो देखते रहिए सिंहासन बत्तीसी, थैंक यू वेरी मच। भाई आ जाओ किधर हो आप लोग, उधर जाइए पहले, घोड़े को चलाओ, नहीं सीधा इधर से आना, वैसे फर्स्ट लोग नहीं फिल्म में, तो केवल लूज कर, रोलिंग एक्शन, क्या हो गया प्रशांत, ले रहे हैं वो, मैं नहीं घूमू, ऑलरेडी सुनने की कोशिश करो, चादर एक्शन, ज्यादा क्लोज नहीं आ रहे, एक कंफ्यूजन था, मैं बोल रहा हूँ कि वेव सुनाई दे रहा है, ये आपने ये लिया ना, मैं आवाज फॉलो कर रहा हूँ, चटे करे रोलिंग भाई लोग, बाहर निकल आए, देखा वो लोग जा रहे हैं, अचानक नोटिस किया कोई और आ रहा है, छुप जाओ,
आइए भाई साहब, जल्दी आइए। बाहर निकला भोज, व्यू जा रहा, पता नहीं लोगों ने कहां वेद को छुपा रखा है। छोड़ दिया ना, ठीक है भाई, ले जा भाई पांडे जी को। आए पांडे जी पास मारेंगे यार। भाग